नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सरसों में थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दी है। कल जो गिरावट थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। न केवल सोयाबीन में सुधार हुआ है बल्कि सरसों में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। कल सोयाबीन में जो 6% की गिरावट थी, लेकिन सरसों कल भी 1% ही गिरावट हुई, और कल की जो सरसों की 1% की गिरावट थी वो आज करीब करीब 3% से अधिक की जो है कवर कर लिया है, उससे आगे बढ़ गई है। आज अगर NCDX की बात करें, वायदा बाज़ार की बात करें, तो वायदा बाज़ार में अगस्त के लिए 7847 पर कारोबार करती हुई सरसों बंद हुई है, और सितंबर वायदा के लिए 7919 का वायदा बंद हुआ है। अगर इसी बाज़ार की और थोड़ी विस्तार से चर्चा करें तो अगर अगला जो हफ्ता आ रहा है, यानी सोमवार से अब वीक शुरू होगा, NCDX पर 2 दिन छुट्टी रहती है, शनिवार और इतवार को, सोमवार को जैसे ही ये वायदा बाज़ार खुलेगा तो ऐसा लग रहा है कि ये 8000 के जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर देगी। NCDX की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ लोग इसको मंडी के रेट्स के साथ तुलना कर लेते हैं, मंडी का रेट में और इसके रेट में अंतर होता है। तो जो सोमवार से जो नया सप्ताह शुरू होगा उसमें ऐसा लग रहा है कि NCDX यानी वायदा बाज़ार 8000 के आंकड़े को क्रॉस कर देगा। 8000 के आंकड़े को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि 8000 के आंकड़े को क्रॉस करने का मतलब ये है कि जो बाज़ार की जो मंडियां हैं, व्यापारिक जो मंडियां व्यापार होता है, जो ओपन मार्केट के अंदर जो सरसों की ढेरियां आती हैं, उसके रेट के अंदर अच्छा खासा सुधार हो सकता है अगर इसने अपना जो 8000 का आंकड़ा है उसको पार कर लिया तो। वैसे आप जानते हैं कि ये वायदा बाज़ार और NCDX और ये इनका कुछ विशेष अथेंटिक नहीं, आप कुछ कह सकते कि आप ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा अनुमान है क्योंकि ये 7940 के अपने पुराने रिकॉर्ड को, पुरानी हाइट को तोड़ने के बिल्कुल करीब खड़ी है, बिल्कुल पास खड़ी है। 7919 पर है सितंबर का वायदा, इसलिए ऐसा लगता है कि पुरानी हाइट को तोड़ के 8000 को छुएगी। 8000 को छुएगी तो बाज़ार का जो भाव है वो भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसे आप अगर 8000 का आंकड़ा NCDX पार करता है तो आप इसको एक शब्द बनता है कि एक तूफानी तेज़ी सरसों के व्यापारिक बाज़ार में आ सकती है। लेकिन फिर वही निवेदन है कि व्यापार अपने विवेक से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, सब सारी स्थितियों को देख के करना चाहिए। सरसों आपकी है, कब बेचना है कब नहीं बेचना है ये फैसला आपने करना है, लेकिन सरसों में मंदा नहीं दिखाई दे रहा है। सरसों में मंदा अभी एक हफ्ता तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते फिर हम आपसे बात करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे, लेकिन स्थितियाँ जो बन रही हैं वो ये है कि मंदा नज़दीक दिखाई नहीं दे रहा है। और जो एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि जो सोया प्लांट के चलाने के वाले लोग हैं, महाराष्ट्र के जो सोया के जो प्लांट चलाते हैं, DOC के जो प्लांट चलाते हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल, एक शिष्टमंडल कल यानी 12 अगस्त को शाम को दिल्ली पहुंचा, और आज उन्होंने सरकार से इस बारे में बात करनी थी कि ये जो DOC का जो आयात पर जो छूट दी गई है, यानी उसको इजाज़त दी गई है, उसको बैन किया जाए, अन्यथा सोया प्लांट का जो कारोबार है वो प्रभावित होगा और उसे काफ़ी नुकसान होगा। अब उनकी बातचीत का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी बातचीत क्या रही है, उसका क्या असर सरकार पर रहता है, सरकार वास्तव में इस जो DOC को यानी तेल रहित खल के आयात को जो मंजूरी दी है, इजाज़त दी है, उसको वापस लेती है या नहीं लेती है, ये देखने की बात है। अगर ये फैसला वापस होता है तो बाज़ार में फिर बहुत एक बड़ी सारी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये फैसला नहीं होता है तो भी मुझे नहीं लगता है कि सोयाबीन में कोई कमज़ोरी आएगी, क्योंकि सोयाबीन के जो फंडामेंटल है वो कमज़ोर नहीं है। इस समय अभी सोयाबीन की फसल आने में करीब करीब 1.5 महीने का समय कम से कम बाकी है, और सरसों का तो कम से कम 7 महीने का समय बाकी है। तो सरसों के फंडामेंटल भी मजबूत हैं और सोयाबीन के फंडामेंटल भी मजबूत हैं, इसलिए आगामी एक सप्ताह के अंदर ना तो सोयाबीन में मंदी है और न ही सरसों के अंदर आपको मंदी दिखाई दे रही है। तो आइए अब कुछ बात कर लेते हैं भाव की। भाव की स्थिति ऐसी है, आज सुबह भरतपुर का भाव जो हमें मिला वो है 7300 रुपये, पूरा 7300 रुपये।
जयपुर में सुबह जो भाव मिला था वो था 7850 रुपये, 7800, फिर बाद में 75 हुआ और अब 7950 इसका भाव जो अंत में शाम को जो हमें बाज़ार का भाव मिला जयपुर का, यानी जयपुर के सरसों बाज़ार में काफ़ी अच्छी सुधार, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आज ग्वालियर का भाव आज हमें नहीं मिल पाया है, दिल्ली का भाव है 7450 रुपये और जो सलोनी के जो भाव हैं आज उनमें भी आज दिन में दो बार चेंज हुआ है। पहले सुबह भाव था करीब 8350 रुपये, उसके बाद भाव हुआ 8400 रुपये, अब जो लेटेस्ट भाव आया है शाम को वो भाव आया है 8450 रुपये। हिंडौन सिटी का भाव है 7326 रुपये, हापुड़ का भाव है 7700 रुपये और टोंक मंडी का भाव है 7580 रुपये, शिवानी मंडी का भाव है 6650 रुपये, निवई मंडी का भाव है 7700 रुपये, एलनाबाद का भाव है 6972 रुपये, चरखी दादरी का फिर दो भाव है, एक मील का भाव है 7450 रुपये और मंडी का भाव है 7000 रुपये, गंगापुर का भाव है 7380 रुपये, आदमपुर मंडी का भाव रहा है 7214 रुपये, सिरसा में 7112 रुपये, भिवानी में 6900 रुपये, रेवाड़ी में 7382 रुपये, हिसार में 7025 रुपये, बारामंडी में 7080 रुपये, पदमपुर में 7030 रुपये और करणपुर में 7295 रुपये। रेवाड़ी मंडी का भाव भी आज मैं आपको बता चुका हूँ 7382 रुपये, काफ़ी मांग रहती है रेवाड़ी मंडी की। तो ये कुछ मंडियों के भाव और अब आपसे कल फिर इसी विषय पर सरसों पर हम शाम को आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।